डेढ़ दो साल से पाकिस्तान जब भी कोई सीरीज़ जीत रहा था या अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, जीत के बावजूद हम उन पॉइंट्स पर बात कर रहे थे जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है। हम फ़ख्र जमान की बात कर रहे थे, हम स्पिनर की बात कर रहे थे, हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे और लोग हमें कह रहे थे यार आप जीत रहे हैं फिर भी आप खुश नहीं हैं। तो उसका नतीजा अब आपको नज़र आ रहा है। बड़े मैचेस में अच्छी टीमों के खिलाफ आपकी वो कोताहियाँ जो उस वक्त छुप जाती हैं वो एक्सप्लॉइट होती हैं। देखिए आप सही कह रहे हो, इसलिए कि हम रोज़ाना प्रोग्राम करते हैं, रेगुलर करते हैं, मैं आप याया, तो ये सारी चीज़ें मैं बोल रहा था कि जी हमारा मिडल ऑर्डर वीक है, स्पिन के ऊपर मैंने बात की, कप्तानी के ऊपर मैं पिछले डेढ़ दो साल से बात कर रहा हूँ। लोग उमूमन जो है वो मेरी बातों को पसंद नहीं करते कि भाई आप बहुत ज़्यादा कह देते हैं, मगर जो हकीकत थी वो बयान की थी वो आज हो गया। और ये सिर्फ आज नहीं हो रही बातें, जीत पे भी होती हैं। देखें आज इंडिया ने ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें आउट क्लास कर दिया। जी 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 जी। उनकी जो बॉलिंग थी हमारी बॉलिंग से बहुत ज़्यादा बेहतर थी, जो उनकी मूवमेंट थी, स्पिन उनका ज़बरदस्त, 5 आउट कर गया वो, और हमारी बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आई। इतना मैं खुद वो कह रहा हूँ कि वर्ल्ड टॉप की बॉलिंग थी हमारी, और हमारे सारे इंडियंस ने भी उनको यही बोला था, सब डरे हुए थे। मुझे लगता है कि जैसे कि ना एक प्रेशर आ गया हो। मैंने कल बोला भी था आपको कि जी ये नए बच्चे हैं, इनके जहन कमज़ोर हैं, ऐसा ना हो कि इसको वो ज़्यादा ही अपने आप ले लें कि जी हम तो वी आर द बेस्ट, एक्साइटेड होना हो जाए, और वही हुआ आज। और जो आज जो मैच शुरू हुआ है वो मैं तो टोटल ब्लेम दूंगा बाबर आजम को कि उन्होंने कप्तानी पता नहीं किस मूड से आए थे। वो तो ऐसा लग रहा था आए हुए 2-4 ओवर करेंगे, बारिश हो जाएगी, हम वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। एज ए कैप्टन जो बाबर आजम की हिकमत अमली थी उस पर हम जरूर बात करेंगे मुतादिद बार। आज बाय द वे इन केस यू वांट फॉलोइंग जो न्यूज़, अब्दुल रज़ाक बारहा कह चुके हैं ये क्रिकेट है, फ़नी गेम है, ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया की बहुत बड़ी बॉलिंग अटैक है तो हर बार रन थ्रू कर देगी किसी बैटिंग लाइनअप को। उनकी भी बड़ी तगड़ी बॉलिंग बैटिंग लाइनअप है, तो आज उन्होंने उसी हिसाब से खेला। मोइन, हैविंग सेड दैट, हम एक्सेप्ट करते हैं क्रिकेट गेम है, होता है, अच्छी से अच्छी बॉलिंग लाइनअप भी रन के लिए जाती है, उनकी भी पक्की बैटिंग लाइनअप है, उन्होंने खेला अच्छा। उसके बावजूद आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा खामियाँ कहाँ हैं, 100% करना पड़ेगा। देखिए जिस वक्त कल टॉस हो रहा था, मैंने बात की थी अगर कंडीशंस अच्छी हों तो यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए, पाकिस्तान को मौका नहीं देना चाहिए, बिकॉज के सेकंड बारी मुश्किल है अंडर लाइट्स लेना। आज हमें नज़र आ गई उसकी पूरी सिचुएशन, जहाँ उनके ऑर्डिनरी बॉलर जो थे वो लीथल बने हुए थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टॉप क्लास बैटिंग को कहीं भी खेलने नहीं दे रहे थे, यानी मिडल ही नहीं हो रहा था बॉल, और हमें नज़र आया वो सामने एक एक चीज़। आई थिंक रोहित का फिर डिसीजन मैं कहूँगा यहाँ पे उसका ठीक हुआ, जो कि पिछले मैच में उन्होंने गलत डिसीजन लिया था और वो वहाँ पे बैटिंग कर गए थे और पाकिस्तान की बॉलिंग ने वहाँ पे उनके 4 आउट कर दिए थे। तो इस मैच में मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है, अगर कंडीशन आपको 19-20 भी अच्छी लग रही हो ना, तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है इस कंडीशन के अंदर, जहाँ श्रीलंका में तमाम टीमें सेकंड बैटिंग में स्ट्रगल कर रही हैं। एक तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ गलती हुई है बाबर से, और जिस तरह आज की अप्रोच थी, बिल्कुल मैं सिकंदर भाई को सेकंड करूँगा कि आज सोच के आए थे शायद बारिश हो जाएगी, मैच पूरा होगा नहीं, 1-1 पॉइंट मिल जाएगा, इस वजह से वो कंप्लेसेंट नजर आई पूरी टीम, और लेकिन अगेन हैविंग सेड दिस, अभी मैच बाकी है, जी जी बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेन टास्क है अब आपके लिए श्रीलंका है, श्रीलंका को नो मैटर वॉट आपने मैच हराना है। अब उसमें टॉस मैटर नहीं करेगा, उसमें कंडीशन मैटर नहीं करेंगी, आपका इंटेंट मैटर करेगा कि आपने किस इंटेंशन के साथ जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज नजर आनी चाहिए, बिकॉज आपके पास अब मार्जिन नहीं है। इंडिया मुझे लगता है थ्रू हो जाएगा, बांग्लादेश को हरा के 4 पॉइंट ले जाएगा वो, तो आपके पास सिर्फ चांस ये है, अगर आप श्रीलंका से यहाँ हार जाते हैं तो आपके लिए फिर मुश्किल हो सकता है, ये बर्तल के बाहर ही हो जाएंगे। पाकिस्तान की फाइनल में जाने की क्या प्रॉबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज़ पे हम ज़रूर बात करेंगे, बट अब्दुल रज़ाक कोई भी प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हो, नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहा हो, अगर वो बॉलर है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपने गेम प्ले में तब्दीली ला सके। अगर वो क्रॉस सीम बॉल करता है और अगर बॉल मूव कर रहा है, जैसे आज पांड्या ने किया, वो सीम बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, वो भी लाके मारते हैं, नब्बी तुली बॉलिंग करते हैं, लेकिन आज आपने देखा सीम से बॉल कर रहे थे। बट आई गेस एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम फहीम अशरफ इज़ अ बिट टू मच, क्योंकि हम गलत बंदे को बैक करते आए हैं इतने अरसे से। नहीं ऐसी बात नहीं है, ही गॉट एक्सपोज ना, 74 रन दे दिए, 10 ओवर में बॉल मूव नहीं कर रहा था, क्रॉस सीम के साथ बॉल करते रहे। दानिश देखें, पता है एक मैच से पहले हमारी राय और होती है, एक मैच के बाद 3 साल तो यही राय है, दूसरे मैच के बाद हमारी राय जो है ना बदल जाती है, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कंडीशन वाइज जो है ना पूरा अगर मैच देखा जाए तो पाकिस्तान को मोमेंटम नहीं मिला जिस तरह का पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर बॉलिंग हमने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है तो मैं अभी भी कहता हूँ विकेट के मुताबिक आपका डिसीजन ठीक था। अगर वहाँ पे आप बॉलिंग अपनी मर्जी से करेंगे, पिच के मुताबिक बॉलिंग नहीं करेंगे तो आपको याद होगा कल मैंने कहा था कि ये पिच ऐसी है, थोड़ी सी शॉर्टर लेंथ जैसे बॉल करनी पड़ती है, गुड लेंथ में ला के हिट करना पड़ता है आपको। तो इंडियन के बॉलर ने वैसे ही बॉलिंग की है, उन्होंने फुल लेंथ बॉल नहीं की जिस तरह के हमारे बॉलर कर रहे थे। तो नसीम शाह के नसीम शाह ने अच्छा यूज़ किया पर उसकी भी लाइन लेंथ जो है थोड़ी सी वाइड रहती है, तो बैट्समैन को टाइम मिलता है बॉल छोड़ने के लिए। जिस तरह इंडियन ने बॉलिंग की है हमारे बैट्समैन पूरा खेलने के या ड्राइव के लिए बीट हुए हैं। तो ये जो एक कंडीशन होती है ना ये आपके ऊपर आती है, ये क्रिकेट ऐसी ही है। आप जो बैठे होते हैं ना होमवर्क कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और आप हम एज ए पाकिस्तानी है ना हमें पता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं कि यार हमारे बॉलर तो 9 विकेट ले लेते हैं, 8 विकेट हमें क्या जरूरत पड़ी है कि कुछ करने की, हम खुद ही मैच जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने पहले भी कहा था पाकिस्तान ये सोचता है कि हम ग्राउंड में उतरेंगे और हम मैच जीत के बाहर आ जाएंगे। या प्लानिंग अच्छी होती है, आप प्लान करें, आप सोच के आते हैं कि आपने किस तरह की हिकमत अमली अपनानी है, लेकिन साथ साथ अडेप्टबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ग्राउंड में उतरते हैं एक सर्टन प्लान लेके, आप देखते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसा आप सोच के आए थे। एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को अडेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जो कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स में, हमारे बॉलर्स में मिसिंग नज़र आती है, ख़ासतौर पर अगर हम अपने 3 पेसर्स के अलावा बात करें। देखें दानिश, मेरे लिए यह नतीजा कुछ भी अनएक्सेप्टेबल नहीं है कि आप हार गए। बात दरअसल ये कि पिछले 3 साल से आप ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं और आज इंडिया के खिलाफ हार कर खेल में 2 टीमें मैदान में उतरती हैं, एक जीतती है एक हारती है। बिल्कुल ऐसा ही अफसोस इस बात का है कि हम बिल्कुल यकतरफा मैच हारे हैं और ये ऐसी टीम नहीं है कि जो यकतरफा मैच हारे, लेकिन इसके बहुत सारे मामलात हैं, इसके बहुत सारे लवाजमात हैं। हम 2 साल से झंडे वाले कोच को लेकर चल रहे थे, जो जीत जाते तो कहते जी कुदरत का निज़ाम है, हार जाते तो कहते हैं अल्लाह ताला की मसलियत है। फिर उसके बाद खुशामदी चेयरमैन आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उन्होंने जनाब बाबर आजम को और रिजवान को आगे कर दिया। और अगर बाबर आजम और रिजवान की आप बात कर रहे हैं तो इनके पीछे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस लगी हुई है। इस टूर्नामेंट में आप देखें जिस मैच में आप इंडिया की बात कर रहे हैं, 66 for 4 से इंडिया 266 तक जा रहा है। इंडिया ने वापसी की उस मैच में, आप किधर खड़े हुए हैं? आपकी ये टीम के जो प्लेयर हैं वो तो नामीबिया के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, नीदरलैंड के खिलाफ पूरी पूरी सीरीज खेल रहे हैं, मसाइल के बावजूद छोड़ने को तैयार नहीं है। और इंडिया की बावजूद खेला है रिजवान ने। आप इंडिया की इस टीम की बात कर रहे हैं, इंडिया की इस टीम में छोटी टीमों के खिलाफ शेखर धवन कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली बाहर बैठ रहे हैं, इन्होंने T20 टीम की क़यादत जो है हार्दिक पांड्या को दे दी। आज शादाब खान पिटे, मेरे लिए हैरानकुन बात इसलिए नहीं है कि शादाब खान तो एक्सपोज हो गए, लेकिन आपने चूंकि उनको वाइस कैप्टन बना दिया, वो आपकी टीम के ऊपर एक बोझ बन गया। और ये एक अरसे से एक्सपोज होते आ रहे हैं, एक अरसे से ये बात स्टैब्लिश्ड है कि मिडिल ऑर्डर में और मिडिल ओवर्स में हमें विकेट्स नहीं मिल रही। अभी आपने जो बात की कि जी एक्सपोज हो गए फहीम अशरफ, एक दिन पहले तो आप कह रहे थे फहीम अशरफ, मैंने नहीं कहा। देखिए जो भी क्रिकेट का बंदा है, जो भी क्रिकेट का बंदा है, वो कह रहा था कि फहीम अशरफ अगर स्क्वाड में, वो एक अरसे से फहीम अशरफ और कुछ सर्टेन प्लेयर्स को बैक करते आ रहे हैं। And I don't know why back करते आ रहे हैं। बट वो टेक्निकल चीज़ देखे ना जिसकी वजह से फ्लॉप हो रहे हैं। रज़ाक ने बड़ी अच्छी आइडेंटिफाई की चीज़, वो जो अक्रॉस सीम पकड़ के बॉल करते हैं जहाँ पे ज़रूरत है पिच पे सीम मारने की, exactly, सर बॉल को मौका देने की आगे से मूव वो कर ही नहीं रहते। यू नो सर, क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर सर। बात यह है दानिश, प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है ना फिर आप क्या आसान खता हो जाते हैं, आपको नहीं पता लग रहा होता। आज आपको फखर लग रहा था, वो फखर है। फखर तो एक अरसे से कितनी बॉल, मैं एक बात कर रहा हूँ वैसे, एक जनरल बात कर रहा हूँ, जितनी वो बॉलें खेलें इतनी बॉलें नॉर्मल मैच में सीधी पिच पे जब वो खेलते हैं तो क्या करते हैं दूसरी टीम का, यू नो। तो प्रेशर था, बल्ले पे बॉल नहीं आ रही थी, स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, यू नो। आई एम नॉट सेविंग हिम कि मैं उसको सेव कर रहा हूँ, बट कंडीशन बहुत मुश्किल थी। जो डिसीजन हुआ मैं अभी भी समझता हूँ कि फिर वो गलत हुआ है, उन्होंने अडेप्ट नहीं किए हैं कल कंडीशन। और इंडिया ने बोला कप्तान ने कि मैं तो बैटिंग करना चाह रहा था यहाँ पे और हमारी बैटिंग आ गई, और उन्होंने प्रूफ किया 350 अबव रन करके, यू नो कि वो 2 ही आउट हुए। आप ये तो देखें उनकी तरफ आउट कितने हुए। अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग गंदी, हमारी फील्डिंग गंदी। और फिर एक चीज़ जो मैंने बहुत आइडेंटिफाई की थी कि कुलदीप यादव बहुत खतरनाक बॉलर है पाकिस्तान के खिलाफ। आप तो कल से कहते आ रहे हैं, वो टॉस करता है, वो बॉल छोड़ता है हवा में, उसकी ग्रिप का पता नहीं लगता कौन सी अंदर आएगी कौन सी बाहर आएगी। और आज एक्सपोज कर दिया आपकी बैटिंग को उसने, यू नो। स्टेप आउट कोई करता नहीं है, चढ़ के आप पिच, जब आपको गेंद समझ नहीं आ रही होती ये गुगली होगी, चाइनामैन होगी, सीधी होगी, क्या होगी, तो आप स्टेप आउट करते हैं, बॉल की पिच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। या एक और टैक्टिक्स है जो मैं भी करता था यूज, कि स्वेप मारना शुरू कर, बट स्वेप में आउट हुए, सलमान आउट हो गए, यू नो, उन्होंने बॉल को, आई थिंक उनकी जो आइज थी वो ऑफ हो गई थी, इसी वजह से वो मिस कर गए। अदरवाइज आपको स्टेप आउट करना पड़ता है, कहीं कॉन्फिडेंस हमारे बैट्समैनों ने शो नहीं किया, जैसा कि पिछले मैच में ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने, जो अभी आया ने बात की है, 66 पे मेरे ख्याल में 4 आउट थे और आपने 266 करा दिए, यू नो, तो आपने प्रेशर नहीं डाला। मोइन खान साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि हार जीत खेल में हो जाती है, दो टीमें उतरती हैं, हार जाती है, आपकी इंटेंट कहीं से नजर ही नहीं। लैंग्वेज, वो जो अप्रोच आज की, स्पेशली कल हमने बात की थी कि कल सुबह आप आएंगे तो आपने आके नसीम शाह से ओवर कराना है, शाहीन से कराना है ओवर, आज तो पहले 4 ओवर 4 डिफरेंट बॉलर्स ने कराए, और फिर जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी वो सीकू भाई सही करे, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश होगी और हमने बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश का इंतजार मान लिया, क्रिकेट आसान नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल आसान नहीं है, खासतौर पर जब कंडीशन ऐसी हों, बॉल इतना घूम रहा हो तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट अगर आसान होता तो मैं भी खेल रहा होता, याही हुसैनी भी खेल रहे होते, फारूक सलमान हमारे प्रोड्यूसर हैं वो भी खेल रहे होते। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। 16 करोड़ अवाम में से शायद 75% अवाम खेल रही होती, भाई 16 लड़के खेलते हैं, ठीक है, दे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रीम उठाई जाती है। हज़ारों लड़का इस वक्त घरों में बैठा हुआ, कोई चने बेचने में मजबूर है, कोई फ्रूट बेचने में मजबूर है। वो एक ज़माने में टैलेंटेड क्रिकेटर्स हुआ करते थे, वो नहीं आए, ये लोग खेल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बनती हैं। आई एम सॉरी, जो कहते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं बनती हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है कि कौन खेल रहा है। आसान होता तो करोड़ों रुपये नहीं कमा रहा होता एक प्लेयर।